स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा, और आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक इम्पोर्टेंट क्वेरी जो है ना वो रिजोल्व करने वाली हूँ। क्या आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम मेंस के नोट कैसे बनाए, प्री के नोट्स कैसे बनाए? ये बार बार क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं किस प्रकार करती हूँ, देखो सबकी अलग अप्रोच हो सकती है, बट वट आई हैव सीन मेरे इतने टाइम ऑफ प्रैक्टिस में, कि जब से मैं पढ़ा रही हूँ और जब मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही थी, तब से What I have seen is कि जो बेस्ट वे होता है कि आपको अलग अलग नोट्स बनाने चाहिए। यू शुड मेक योर नोट्स इन अ सेग्रीगेटेड फॉर्मेट। अब सेग्रीगेटेड फॉर्मेट से मेरा क्या मतलब है कि भाई प्री के लिए एक अलग नोटबुक होनी चाहिए और मेंस के लिए एक अलग नोटबुक होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम कॉन्टेंट तो सेम है ना, लेकिन है ना सेक्शन तो सेम ही है जो प्री में भी पूछे जा रहे हैं, मेन्स में भी पूछे जा रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग कॉपी क्यों? बेटा इसलिए क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं प्री का, है ना, अब अगर आपके पास आपने एक ही नोटबुक बनाई है जिसमें आपने सारे पॉइंट्स मेंस के भी लिखे हुए हैं, आपने प्री का भी सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, तो वो एक बल्की नोटबुक है। अब उसको रिवाइज करना प्री के जस्ट एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। आप जिस भी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 12 सब्जेक्ट, 13 सब्जेक्ट, 20 सब्जेक्ट होंगे ही, तो अगर आप उनको पढ़ने वाले हो तो 1 या 2 दिन में बल्की बुक नोटबुक में से रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे रिवाइज। और मैं बार बार कहती हूँ रिविजन इज द की टू सक्सेस। जितनी बार रिविजन करोगे, एग्जाम के जस्ट पहले जितना रिविजन करोगे, वो सब आपको इस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्री के लिए भाई एक अलग नोटबुक बनाओ, जो एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बल्कि नोटबुक नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स में लिखा हुआ है जो भी सेक्शन है, आपकी बैराक का सेक्शन है, उस सेक्शन में से क्या पूछा जाता है वो सिर्फ आप पॉइंटर्स में उस नोटबुक में लिखिए। प्लस कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बैराक्ट में नहीं लिखी, पर वो उस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी केस लॉ का नाम, कोई बहुत लीडिंग केस लॉ है जो बार बार उस सेक्शन से पूछा जाता है उसका नाम। अगर कोई ऐसा डॉक्ट्रिन है, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो सेक्शन 26 ऑफ टीपीए देखोगे, इट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। अब ये कहीं नहीं लिखा पूरे बैराक्ट में कि सेक्शन 26 डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की बात करता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो आप उस पॉइंट को अपनी प्री की नोटबुक में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अब अगर आपको एग्जामिनेशन देने जाना है तो उसके थोड़े टाइम पहले उसको उठा के जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, है ना, तो वो आपकी प्री की हेल्प करेगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मेन्स में हम सभी को पता है कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं जहां पे आपको फुल फ्लेज्ड आंसर लिखना है, तो वहां पे ये पॉइंटर्स वाली कॉपी तो काम नहीं आने वाली, क्योंकि ये पॉइंटर्स हमें नहीं लिखना हमारे एग्जामिनेशन में, हमें वहां पे डिटेल्ड आंसर समझाना है जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका। तो अब आपको उसके लिए क्या करना है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर इट, यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी। सबसे पहले आपकी नोटबुक में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए मेन्स की नोटबुक में या मेन्स के नोट्स में। सबसे पहली चीज आप फ्लो चार्ट्स। अब ये फ्लोचार्ट्स कहाँ बनाना है, ये फ्लोचार्ट्स किस चीज के लिए बनाना है? इन फ्लोचार्ट्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं प्रोसीजर्स, कि अगर किसी भी सेक्शन में किसी भी चीज का प्रोसीजर दिया है तो उसको बैराक की लैंग्वेज से याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर उसी के आपने फ्लोचार्ट्स बना लिए हैं तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अब मैं इससे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप फ्लोचार्ट्स अपने एग्जामिनेशन में भी बनाइए, नहीं, आप बिल्कुल अपने मेंस के एग्जाम में फ्लोचार्ट्स का यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर कहोगे कि मैम एक साइड बोल रही हो कि फ्लोचार्ट्स पेपर में नहीं बना सकते, लेकिन बोल रही हो नोट्स में फ्लोचार्ट्स बना लो, क्यों? इसका एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि यहाँ पे याद रखना है ना, आप फ्लोचार्ट्स अपने लिए बनाइए, अपने याद करने के लिए, अपने रिवाइज करने के लिए बनाइए। अब आप इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने पेपर में, इसी फ्लोचार्ट को पैराग्राफ वाइज लिख देंगे, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, अभी रिसेंटली आई हैव बीन टीचिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राजस्थान मेंस के लिए मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा रही हूँ। तो अब वहां पे बहुत सारे प्रोसीजर्स दिए, जैसे बोर्ड का प्रोसीजर कि जब भी एक बच्चे को चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसको जब बोर्ड के सामने लाया जाता है तो बोर्ड क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, ये पूरे प्रोसीजर से एक मेंस का क्वेश्चन आता है। अब इसको याद करने जाओगे अगर सेक्शन वाइज तो बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ, मैं उनको एक पूरा फ्लो चार्ट देती हूँ कि भाई देखो ऐसा होता है, एक सेक्शन में बच्चे को अप्रीहेंड करके लाया जाता है, किसके सामने, बोर्ड के सामने,
जब बोर्ड के सामने लाया जाएगा तो बोर्ड उसको बेल पर रिलीज कर देगी। अगर बेल पर रिलीज नहीं कर रही है तो चिल्ड्रंस होम में भेज देगी या फिट फैसिलिटी के पास भेज देगी। उसके बाद बोर्ड करेगी इंक्वायरी। इंक्वायरी करने के बाद देखेगी उसने कौन सा टाइप का ऑफेंस किया है। हीनियस ऑफेंस होता है तो उसमें लगेगा प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ये सारी चीजें करने के बाद वो अपना फाइनल ऑर्डर देती है। तो अगर मैंने इस चीज को फ्लो चार्ट में मेरे बच्चों को समझा दिया, वो समझ जाएंगे। अब इसी को उनको क्या करना है, उनको लिखना है, रेसिप्रोकेट करना है इसी को पैराग्राफ में अपनी आंसर शीट में। तो हो गया ना एक काम कंप्लीट, आसान तरीके से याद भी हो गया और लिख भी दिया पेपर में। तो इसलिए आपकी कॉपी में या आपके नोट्स में होना चाहिए फ्लो चार्ट्स, जिसके थ्रू आप चीजें याद कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पता चलेंगे? आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आप प्रिपरेशन करना चालू करते हो, सबसे पहले उठा लो उसके पीवाईपी, जो भी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे के सारे उठा लो। और जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप देख लो उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स से, कौन से सेक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपने जब एक बार वो टॉपिक्स एनालाइज कर लिए तो उस टॉपिक के इर्द गिर्द जो भी चीजें होती हैं वो सारी आप अपनी मेंस की नोटबुक में लिख लीजिए, अलोंग विथ केस लॉज, कि जो भी उस सेक्शन के केस लॉज है प्लस जो भी चीजें उस सेक्शंस के इंपॉर्टेंट है वो सारी आप उस नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। यही कॉपी क्योंकि हेल्प कराएगी मेंस जब रिवाइज करोगे ना, मेंस के लिए जब रिवाइज करोगे तो इसी कॉपी को बार बार पढ़ना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इसलिए सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट निकालने के बाद उन टॉपिक्स के सारे सब क्वेश्चंस, जिस तरीके से जो सब टॉपिक्स होंगे वो सारे लिख डालो। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक जब आप टीपीए में सेक्शन 53A पढ़ते हैं दैट टॉक्स अबाउट पार्ट परफॉर्मेंस, तो जब आप पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ते हो, पार्ट परफॉर्मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला तो टॉपिक है कि भाई पार्ट परफॉर्मेंस इंडिया में आया कैसे, तो आप एक वो वाला टॉपिक लिख लीजिए। उसके उसी में बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको, मोहम्मद मूसा का, आरिफ वर्सेस जदुनाथ का, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये आएगा कि भाई पार्ट परफॉर्मेंस होता क्या है, वो लिख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट परफॉर्मेंस को सिर्फ आप शील्ड की तरह यूज कर सकते हो, स्वॉर्ड की तरह यूज नहीं कर सकते, तो आप वो आंसर बना लीजिए। तो आप देख रहे हो एक ही टॉपिक था 53A, पार्ट परफॉर्मेंस टॉपिक एक ही था, हमने इसके सब टॉपिक निकाल लिए। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे हमने इसके सब टॉपिक्स निकाल लिए और इन सब टॉपिक्स को हमने अपनी नोटबुक में लिख लिया अलोंग विद द केस लॉज। तो बस उसके आगे उसके बाहर तो कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद अगर आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी प्रोविजन से बाहर नहीं जाता है। अगर आपके दिमाग में प्रोविजन क्लियर है तो आप उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को भी उस प्रोविजन को यूटिलाइज करके बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक, तो ये काम हमें करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत से लोग मिस आउट करते हैं, ये तो चलो फिर भी शायद लोग कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट्स बना लिए उन्होंने या उन्होंने लिख लिए टॉपिक्स, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो मिस आउट करते हैं दैट इज आंसर राइटिंग। आपकी मेंस की ही नोटबुक में जब आपने एक बार सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, फ्लो चार्ट से आपने सब कुछ याद कर लिया है, उसके बाद आपके नोट्स में होना चाहिए आंसर्स। जिस भी स्टेट को प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की कॉपी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे पीवाईपी निकाल लो। जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं सारे निकाल लो, सारे लिख डालो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वही सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है, एज इट इज वही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। पिछले 2 बार से फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर बार बार आया जा रहा है एमपी के पेपर में। तो अगर एक बार आपने आंसर लिख लिया है, एक बार आपके पास एक मॉडल आंसर प्रिपेयर्ड है, तो बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है तो रीड ही करना पड़ेगा उसे, ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है। तो बस उसको एक बार रीड करोगे, मेंस का काम हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसी कॉपी अगर हम बनाते हैं जिसमें हम सारी ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आपके नोट्स तो कंप्लीट है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई नोट्स कंप्लीट हो गए, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, नोट्स बना के घर पे रख लेने से कुछ नहीं होगा,
इसी नोट्स को बार 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 पढ़ना पड़ेगा। और कुछ लोग ये बात बिलीव नहीं करते। एक बात मैंने ये भी देखी है कि कुछ लोग सोचते हैं नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है, छोड़ो छाड़ो नोट्स, है ना, नोट्स नहीं बनाते हैं यार, इतना सारा मटेरियल इधर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं या फिर किसी से ले लेंगे, दोस्तों से किसी से, वो कभी काम नहीं आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी खुद की हैंडराइटिंग में अगर तुमने कभी भी कुछ भी लिखा है उसको याद करना और याद करके रिटेन करना सबसे ज्यादा आसान है। तुम्हें याद रहेगा कि भाई मैंने इस पेज पर ये लिखा हुआ था, और उसको फिर रिप्रोड्यूस करना अपने एग्जामिनेशन में भी तुम्हें तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन वही अगर तुमने किसी और के कॉपी से या प्रिंटेड नोट से या डाउनलोडेड नोट से पढ़ा हुआ है तो वो आपको उतनी मदद नहीं देगा। अनटिल एंड अनलेस कि आपकी रिटेंशन बहुत ज्यादा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है या आप रिटेन कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, तो वो बात अलग है। बट अदरवाइज अपने खुद के नोट्स से ज्यादा बेहतर नोट्स किसी के नहीं होते। इसलिए जब भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे और किसी भी स्टेज पर हो, चाहे प्री चाहे मेंस, आप क्या कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भाई देखो, मेंस के नोट्स कभी भी प्री का रिजल्ट आने के बाद नहीं बनते। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई भी ऐसा करता है कि अगर हम प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम मेंस के नोट्स बनाएंगे, ये आपकी बहुत गलत अप्रोच है। आप मेंस के नोट्स उसी दिन से बनाइए जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। वो आपके लिए आसान भी होगा, प्लस वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। भाई जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के सारे सब टॉपिक्स निकाल के लिख लो ना, वही के वही हो जाएगा। अब सोचो कि भाई मैं तो पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लूंगा फिर लिख लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो बल्कि काम आपसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं करोगे वो जिंदगी में। तो इसलिए जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, प्री की प्रिपरेशन जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन से ही अपनी मेंस की नोटबुक आप बना लीजिए। ठीक, तो आपका बिल्कुल पर्पस सॉल्व हो जाएगा और आपके नोट्स एकदम कंप्लीट रहेंगे। यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वी आर कंडक्टिंग अ बूट कैंप 24 आवर्स ऑफलाइन बैच जो हमारा है, उसमें हम 2 डेज का ये बूट कैंप करने वाले हैं, जिसमें हम आपको न्यू क्रिमिनल लॉज, जो भी चेंजेस हुए हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर, उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं, सारे सेंटर्स के ऊपर, भोपाल, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, सारे सेंटर्स पर ये होने वाला है। तो प्लीज डू ज्वाइन अस फॉर दिस बूट कैंप। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके यू कैन एनरोल फॉर दिस बूट कैंप, जो कि इसी सैटरडे संडे 20th and 21st जुलाई को होने वाला है। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ये इंफॉर्मेशन, मैं लेक्चर नहीं कहूंगी इसको, पर ये इंफॉर्मेशन के किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं आपके लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।